कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आए दिन बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पे सवाल उठते रहे। बता दें कि बीते दिन बेतिया में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो जाती है, और सिर्फ 8 लोग ही नहीं, कई लोग जो है अभी भी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच खेल रहे हैं। इसको लेकर भी सियासी घमासान मचा है। आपको बता दें कि बिहार में बालू माफियाओं पर भी लगातार सख्ती बरती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। एसपी और बड़े अधिकारियों की तबादला कर दिया जाता है, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेते। इस तमाम मुद्दे पर जब बातचीत हुई बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और एमएलसी कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्र से, उन्हें क्या कुछ कहा जरा सुनिए। कई लोगों को सरकार इधर से उधर जरूर कर रही है, लेकिन बड़े लोग नहीं पकड़े जा रहे, बड़े लोगों पे कार्रवाई अभी तक दिखी नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, बालू का अवैध खनन एक सुनियोजित अपराध का हिस्सा है और यह लगातार चल रहा है, और यह बिना ऊपर के संरक्षण के नहीं चलता। इन लोगों के घुसपैठ देख लीजिए, एसपी तक को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो 2-3 महीना पहले जिसकी पोस्टिंग हुई है उसको हटा दिया गया। लेकिन जो बालू माफिया है, जिसके नियंत्रण में सारा अवैध कारोबार है, खुलेआम लोग देखते हैं कि नाव लगी रहती है, लोग बालू उठाते हैं और बेचते हैं, सरकार के आंखों के नीचे ही हो रहा है। तो कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि बालू के अवैध खनन मामले पर सरकार को तत्काल करे कदम उठाने चाहिए, और उन लोगों को जो इस कारोबार में शामिल हैं और जिन्हें संरक्षण प्राप्त है सत्ता के नज़दीक लोगों का, उन पर कार्रवाई करें। 1-2 पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने से या छोटे मोटे स्तर पर कार्रवाई करने से ये आई वॉश हो सकता है, इससे उसका समाधान नहीं है। पिछले सत्र में भी ये प्रश्न सदन में भी उठाया गया था, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती है। खुलेआम गंगा किनारे या नदियों के किनारे आप देखेंगे कि 50-100 सैकड़ों नावें खड़ी रहती हैं, अवैध बालू का खनन होता है, उसके बाहर में बिक्री होता है, और उसके चलते कीमत बढ़ती है। जो 4,000-5,000 का बालू है वो 12,000-15,000 के बीच में बिकता है। ये बड़ा कारोबार है, करोड़ों का कारोबार है। तो मैं समझता हूँ यह बिना पुलिस संरक्षण के या सरकार के संरक्षण के संभव नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है हम लोगों का, ऐसे मामलों में तत्काल करे कदम उठाएं और दोषी को पकड़ें, तभी इसका समाधान है। अन्यथा ये एक तरह से एक ऐसा धंधा है जिसमें सफ़ेदपोश लोग भी शामिल हैं और सत्ता के ऊपर के लोगों का संरक्षण प्राप्त लोग भी शामिल हैं। भोजपुर के एसपी को आपने हटाया, इस पर मेरा सवाल है, वो तो 2-3 महीने पहले पोस्टिंग हुई थी और अपराधियों पर धरपकड़ शुरू किया था, तो आपने उसका ट्रांसफ़र क्यों कर दिया? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 3 महीने में कोई एसपी का ट्रांसफ़र क्यों हो गया? क्या किया वो तो पकड़ रहा था, अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा था भोजपुर में, तो आपने हटा दिया। तो मैसेज तो साफ है, क्लियर है कि जो कड़े अधिकारी हैं उनको फील्ड से हटाया जा रहा है, और जो दागदार लोग हैं वो प्राइम पोस्टिंग लेके काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से सरकार चलेगी तो कभी भी बालू के अवैध खनन जैसे अपराध और इस धंधे में शामिल लोगों को बेनकाब नहीं किया जा सकता। हल्ला बोल है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या कार्यक्रम है, कहां-कहां क्या आपने टास्क दिया है? देखिए, हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह कार्यक्रम है 7 से लेकर 17 तक, इसमें 2 फेज हम लोग का समाप्त हो चुका है। बहुत ही सफलतापूर्वक प्रखंड के लोग और जिला के अध्यक्ष ने इसका क्रियान्वयन किया है, और 17 तारीख को हम लोग का साइकिल जुलूस हो या रिक्शा से हो या पैदल हो, जो भी होगा, सारे लोग हमारे बोरिंग रोड चौराहा से 10 बजे दिन में निकलेंगे और गांधी मैदान तक जाएंगे। उसमें हमारे प्रभारी भक्ति चरण दास जी भी आ चुके हैं, दूसरे प्रभारी भी दोनों आ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब, शकील अहमद साहब, आपके निखिल बाबू, अखिलेश जी, ये सभी लोग जितने हमारे हैं यहाँ, सभी माननीय विधायक, पार्षद, सांसद, सब लोग उपस्थित रहेंगे उसमें। और हम लोग ये महंगाई का जो आलम है पूरे देश में,
प्रत्येक दिन की दर से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है और उसका प्रभाव अन्य सभी चीज़ों पर पड़ रहा है। तो हम लोग उसी के विरोध में अपना कांग्रेस कार्यक्रम जो है उसको जारी रखेंगे, आगे भी और अभी भी कर रहे हैं। जहरीली शराब से बार फिर से आठ लोगों की मौत हुई है, क्या जहरीली शराब पीने से? जहरीली शराब से बेतिया में लगभग आठ लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे सर? शराब बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी जहरीली शराब का सेवन हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है। देखिए, शराबबंदी कागज में जरूर बंद है, लेकिन धड़ल्ले से शराब बिक रहा है सब जगह, होम डिलीवरी भी चल रहा है, और जो गरीब लोग हैं जो इस तरह का चोरी छिपे ये काम करते हैं और उसको और गलत तरीका से जो शराब मिलता है, जो आप जहरीली शराब जिसको कहते हैं, वो जहरीली शराब मिलने से उसको और नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए। अगर शराबबंदी वो किए हैं तो उसको लागू करना चाहिए, हम लोग भी उसमें पूरा समर्थन दिए हुए हैं, नहीं तो इसको एक बार समीक्षा जरूर करना चाहिए ये कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है। बड़े लोग तो नहीं पकड़ा रहे हैं, छोटे लोग बराबर इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। 26 से मानसून सत्र है सर, क्या सत्र में इस बार कई लोग पुराने चेहरे नहीं दिखेंगे, इसका इसकी भी इसका ही मलाल है, और क्या मुद्दा रहेगा कांग्रेस का खासतौर पर? कहाँ पुराने लोग नहीं दिखेंगे, हम लोग का तो हाउस हुआ था, वही हाउस में है अभी। कई लोग पंचायत चुनाव को नहीं मिलते, कई विधान परिषद में जरूर हमारे कुछ साथी जिनका की टर्म 22 खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है, तो वो हमारे नहीं दिखेंगे क्योंकि उनका चुनाव अभी कुछ कारणवश कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव रुक गया, और उसके चलते तो उनके जो मतदाता हैं वही नहीं रह पाए अभी। तो ठीक बात है, हमारे साथी नहीं रहेंगे, उनकी कमी जरूर खलेगी अभी।